सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और मैं हो चुका हूँ रेडी शेडी और आ जाए हम लोग कॉन्वोकेशन के लिए। कॉन्वोकेशन है मैत्री का, तो मेरा तो कॉन्वोकेशन का वीडियो आपने लास्ट ईयर देखा होगा। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट ईयर हो गया यार, है ना? हाँ, तो लास्ट ईयर देखा होगा यार, देख लेना कॉन्वोकेशन का, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटेड का। तो ग्रेजुएशन सेरेमनी वगैरह का सब मैंने वीडियो बना रखा है कि कैसे आपको कहाँ से टिकट वगैरह सब कुछ कलेक्ट करना है। इनकेस आपको नहीं पता तो जाके वीडियो चेकअप कर लेना। हम लोगों को टिकट वगैरह कलेक्ट करना होता है LTP से, तो हम लोग अभी जा रहे हैं LTP में। वहाँ से भी से ही सब कुछ पिक्चर वगैरह शूट वगैरह सब कुछ होता है, और जो आपके साथ गेस्ट होते हैं उनके लिए भी टिकट वहीं से ही होता है। काम कलेक्शन वगैरह सब कुछ LTP में ही होता है। बाकी आपको ईमेल पे भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कहाँ से क्या क्या प्रोसेस है। तो ये जो कॉन्वोकेशन हो रहा है वो हो रहा है अक्टूबर इनटेक 2022 वालों का, क्योंकि मेरा जो जैन इनटेक Jan 22 था तो उसमें मेरा कब हुआ था, मार्च या नहीं जून या जुलाई में हुआ था 23 में, और इनका हो रहा है अप्रैल 2024 में। सो अक्टूबर बैच 2022 इनटेक वालों का होता है इसमें अप्रैल 24 में हो रहा है। तो इस हिसाब से आपको अंदाजा लगा, आपको मैंने दोनों इनटेक का बता दिया कि कब होता है ग्रेजुएशन सेरेमनी। वैसे आपको ईमेल से तो इन्फॉर्मेशन आपको सब मिल ही जाएगा। सो ये है LTB, जिसको बोलते हैं लेक्चर थिएटर बिल्डिंग। ये देख सकते हैं लेक्चर थिएटर बिल्डिंग। सो यहाँ पे आपको टिकट कलेक्शन, गाउन कलेक्शन सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो चलो अंदर चलके दिखाते हैं। सो इस तरीके का सीन है यहाँ पे। अभी ये मॉर्निंग 10 AM वालों का है सेरेमनी, तो काफी कम जो है। तेरा सेरेमनी है, मुझे नहीं मालूम था। So the person who is wearing these kind of dress, these, so they are here to help like these ladies as well. So in case if you are struggling to anything, you can come and ask them where to collect tickets and anything. They will definitely help. So they are wearing tickets, t-shirt as well. Can I help you? ग्रेजुएशन के डे की ना एक्साइटमेंट अलग ही होती है, क्योंकि आप ना अपनी कंट्री में ग्रेजुएशन करते हो या सेरेमनी अटेंड करते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आप दूसरी कंट्री में जब ग्रेजुएट होते हो ना, तो भाई उसकी एक्साइटमेंट अलग ही होती है। वो वर्ड्स में तो डिस्क्राइब करना बहुत डिफिकल्ट है, बट हाँ आप एक्सप्रेशंस देख सकते हो उन लोगों के और इमोशंस देख सकते हो। बहुत सारे लोग तो डैब वगैरह भी करते हैं। मैंने ट्राई किया था डैब करने का, लेकिन जो मतलब कितना 5 या 10 सेकेंड का टाइम मिलता है व्हेन यू मीट चांसलर एंड कलेक्ट योर प्रॉप बोलते हैं या क्या बोलते हैं, भाई मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। हम लोग अभी जा रहे हैं स्टूडियो में फोटो वगैरह शूट करवाने, फोटो शूट करवाने। सो इन्होंने यहाँ पे जो है स्टूडियो रूम बनाया, सो दिस इज हाउ यू हैव टू टेक पिक्चर्स। और इस तरीके से वो लोग खुद ही आपको जो है क्लिक कर देते हैं इस तरीके से। सो आफ्टर फोटो शूट You will get something like this ki for the reference number. Either you can book your photos online on their official website, or you can collect it from their sales team. It should be just right over there, studio tour, something like that. So they are going to give you photos right away. You can take it in the frame, photos, many options are available. So university में लगेज स्टोरेज फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्क्वायर 2 पे आपको जाना है और अंडरग्राउंड या नीचे के साइड पे। इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट भी कर देना इन केस इफ आई फॉरगेट। क्योंकि जैसे आप लगेज वगैरह लेके आते हो अ नाइट बिफोर यू कम हियर, और आपके पास लगेज होता है तो यू डोंट नो वेयर टू स्टोर, है ना? अगर कोई फ्रेंड हेल्प करता है तो डेफिनेटली हेल्प हो जाती है। इन केस इफ देयर इज ओवर, देन यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम लगेज स्टोरेज फैसिलिटी सर्विसेज। बाकी आज का वेदर बहुत ही अच्छा है, लेकिन विंड स्पीड इतनी ज़्यादा है भाई, मतलब ठंड लग रही है उसकी वजह से बाकी बाल वाल सब बिगड़े जा रहे हैं, बहुत तेज हवा है। अगर नॉर्मल थोड़ी सी विंड की स्पीड स्लो होती ना, तो बहुत अच्छा वेदर होता, क्योंकि सन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। ज़्यादा सन लगेगा, हीट निकलेगी तो सफोकेटिंग हो जाएगा, मतलब इरिटेटिंग टाइप का हो जाएगा और स्वेटिंग हो जाएगा सब लोग को। तो वेदर अच्छा है, अच्छा लगेगा। वो भी क्या दिन थे यार, स्टडी टाइम और यूनिवर्सिटी टाइम, मतलब अपना ही अलग ही फीलिंग थी और अलग ही टाइम था यार यूनिवर्सिटी का। मतलब आते थे, पढ़ते थे, पार्ट टाइम जॉब भी करते थे, इतनी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ ना। मतलब 1 ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। हाँ मतलब पैसे तो लगे, ऑब्वियसली हर चीज़ की कीमत होती है, घर से दूर, घर से बाहर, प्लस ऑल अलोन, डिड एवरीथिंग अलोन। तो बहुत कुछ स्ट्रगल भी किया है, तो अभी सक्सेस नहीं हुआ है। मुझे याद है जब मैं इलेक्शन के लिए
रन मतलब कौन सी वीपी एजुकेशन के लिए पोस्ट करा था, तो मेरा भी बैनर जो है इस पे था, मतलब मेरा फोटो वीडियो जो चल रहा था जो शूट किया था एसयू वालों ने वो इस पे था। और एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे पेबल्स का जो है इनॉग्रेशन हुआ था और ये बीबीसी के आर्टिकल में भी आया था भाई। मतलब कितनी बड़ी बात है कि एक पेबल्स जो कि कैट है, इसका नाम पेबल्स बोलते हैं, यूनिवर्सिटी की कैट बोलते हैं ये लोग, तो उसका इनॉग्रेशन यहाँ पे मतलब स्टैचू के साथ उसको जो है किया गया था और बीबीसी ने उनका आर्टिकल कवर किया। अमेजिंग। एंड मेन कॉन्वोकेशन सेरेमनी जो होता है वो है आई वर्क क्रू लेक्चर हॉल बिल्डिंग में। एलटीबी से आपको टिकट्स वगैरह कलेक्ट करनी है, वो मेरी लाइब्रेरी रिसेप्शन स्टडी एरिया सेलिब्रेट स्टूडेंट सेंटर। और ये ऑब्वियसली इस तरीके से यहाँ पे फोटो वगैरह भी क्लिक करेंगे आफ्टर अटेंडिंग द ग्रेजुएशन सेरेमनी। ये लोग योर टिकट्स cuz दैट्स योर सीट टिकट, एंश्योर योर गेस्ट्स हैव देयर्स। अभी हम लोगों को अंदर जो है जाने नहीं दिया जा रहा है, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स वेट करने को बोला है बिकॉज दे हैव टू मेक श्योर एवरीवन गेट इन एंड अटेंड देयर सेरेमनी। ऑल्सो वांटेड टू मेक श्योर कि रश ना हो एंड एवरीवन गेट्स देयर रूम और थोड़ा बहुत स्पेस वगैरह अवेलेबल है, सो दैट्स वाई 15 मिनट्स के ड्यूरेशन में सबको एंट्री देते हैं ये लोग, सो दैट्स वाई वी हैव टू वेट हियर। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, फाइनली एंट्री अलाउ कर दी है, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जो स्टक थे 15 मिनट्स के लिए, वी आर गोइंग टू वन नाउ एंड वन इन अ मोमेंट। फॉर्मली अनदर इज ग्रेजुएटिंग टुडे विद अ डिस्टिंक्शन इन द मास्टर्स इन ट्रॉपिकल मरीन बायोलॉजी। In person or in absentia, the degrees, diplomas, and certificates to which they are entitled. Chancellor, the following graduates from the School of Life Sciences are present. For the degree of Doctor of Philosophy, Kastutis Lapenas. Maitra Malakar. Yeah! I did it, guys! Yeah! And Doug Moore. भाई अच्छा किया कि ना ब्लैक अफ्रीकन को लेके आए, इनके नेम सो डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। अच्छा किया जो चांसलर है या जो भी बोलते हैं उसको अफ्रीकन को लेके आए, सो दैट ही कैन प्रोनाउंस देयर नेम्स करेक्टली। प्रिस्का ओसागु, रिमेंबर द जॉय दैट वी हैड विद यू ऑल। अ रिमार्केबल एंड मेमोरेबल ओकेजन। And I now declare this wonderful graduation ceremony closed. If you feel able, please stand. फाइनली ग्रेजुएशन सेरेमनी जो 10 AM वालों का था वो खत्म हो गया। अभी दूसरा बैच आएगा, उनके लिए इनॉग्रेशन वगैरह सब कुछ होगा। सो दिस इज वाज द सेरेमनी। अभी जाके बाहर फोटो वगैरह क्लिक करेंगे। और फाइनली दिस इज द मोमेंट, वहाँ पे सब लोग जा चुके हैं। और एलुमनाई कार्ड वगैरह आई थिंक उन्होंने अंदर कर दिया रिसेप्शन के, बिकॉज इट माइट बी रेन, सो दैट्स व्हाई कंसीडरिंग बैड वेदर they have shifted all the program inside that yeah say I believe students will go inside that टाइम ग्रेजुएशन अटेंड कर रहा हूँ मैंने पर लास्ट टाइम भी मैंने दो बार अटेंड किया था, एक तो अपना ऑब्वियसली और एक फ्रेंड का भी अटेंड किया था ग्रेजुएशन। तो मतलब बोरिंग होता है,
एक टाइम के बाद व्हेन द पर्सन यू आर वेटिंग फॉर उसका जब हो जाता है उसके बाद तो बोरिंग बोरिंग लगता है, बट आई थिंक 2 आवर्स चलता है ये ग्रेजुएशन सेरेमनी, 2 आवर्स या 1.5, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली टाइम, बट बारिश ना आए यार प्लीज। फाइनली यू आर ग्रेजुएटेड, हाउ यू आर फीलिंग? आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड, आई एम फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ओके, every possible thing I can feel. My dad is getting in fear because he won my picture on his phone, not on any other go, phone. Go. So going for that. लास्ट टाइम जो है सिल्वरेस्ट सेंटर के सामने यहाँ पे था वो सारा एलिमिन वो शॉप वगैरह, बट अभी इन्होंने इस साइड अंदर कर दिया है और कार्ड वगैरह भी वहाँ की जगह आई बिलीव सो कि यहाँ पे होगा, बट मुझे आइडिया नहीं है। और रिसेप्शन जो कि फूड वगैरह का अरेंजमेंट है वो है स्पोर्ट्स अरेना के अंदर, सो आई बिलीव देयर या फिर उस साइड पे कहीं पे है स्पोर्ट्स अरेना में, तो विल फिगर आउट कि कहाँ पे जाना है क्योंकि खाना तो है ही ना और ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सैंडविच वगैरह ही होता है, तो लेट्स सी। We have came to the sports arena where the refreshments are available for the guests and for the obviously student. So sports arena. So आ गया sports arena में, ये देख सकते हो sports arena, यहाँ पे game वगैरह होता है, तो इस तरीके से खाना वगैरह लगा हुआ है। खाना दिखा दो क्या क्या है, वैसे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सैंडविच वगैरह ही होता है। एलुमनाई कार्ड सर्टिफिकेट यहाँ से मिल रहा है, इफ़ यू वॉन्ट टू कलेक्ट इट नाउ। ओके, अंदर नहीं है तो एलुमनाई कार्ड वगैरह इधर से कलेक्ट करना है और फूड वगैरह इधर से। VIP वाला भी इन्होंने अंदर कर दिया, अच्छा है हाल, एक रिंग लाइट भी लगा रखे, तो कार्ड वगैरह कलेक्ट करके फिर गो फॉर द VIP फोटो। फूड में तो इनके पास ये स्ट्रॉबेरी क्रीम स्कोन और इस तरीके से सैंडविच वगैरह ही होते हैं ज़्यादातर, और कुकीज़, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है इनके फूड में। बाकी ड्रिंक्स वगैरह भी है, आई फॉरगॉट, हाँ शैम्पेन और बहुत सारी ड्रिंक भी है, फ्रूट जूस वगैरह, अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेज ऑप्शंस भी अवेलेबल है, सो दैट्स गुड। दे हैव 2 फोटो सेल्स या फोटो स्टूडियो जो हमने एक LTV में देखा था और एक इन्होंने जो ऐसे स्पोर्ट्स अरेना है जहाँ पे फूड वगैरह का अरेंजमेंट है, जो रिफ्रेशमेंट जिसको बोलते हैं लोग, सो दे हैव अरेंज्ड 1 मोर फोटो बूथ हियर, 1, 2, 3, मतलब इतने सेल्स हो रही है इनकी, सेल्स ही बोल सकते हैं ना, बट हाँ ऑब्वियसली आपके लिए मेमोरी है और लोगों के लिए फोटोज़ वगैरह बहुत सारे क्लिक कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ या जितनी भी आपको, बट यहाँ पे ना इस तरीके से आपको पे करके ख़रीदनी पड़ती है, तो आपकी फ़ोटो इस तरीके से आएगी और आपको ख़रीदनी पड़ती है। यू कैन बुक इट ऑनलाइन, जैसे मैंने पहले भी बताया, इस तरीके से फ़ोटो आएगी, आप फ्रेम के साथ ले सकते हो, सिर्फ पिक्चर ले सकते हो लाइक दैट, और या फिर फ्रेम के साथ ले सकते हो। Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, dog. This my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose it fits. Some loose shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. So now we are heading back to home और जो मायत्री के टीचर या प्रोफेसर थे बायोटेक के, तो ही वॉज सो काइंड, उन्होंने हम लोगों को गिफ्ट भी दिए लाइक वाइन की बॉटल, यहाँ पे बहुत पॉपुलर है शैंपेन की बॉटल गिफ्ट वगैरह। सो नाउ वी आर एट द कोचीन स्टेशन पे वी गो टू ट्रेन एंड विल गो टू मिल्टन केन्स, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द व्लॉग और विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर एंड टाटा, बाय बाय।